नमस्कार दोस्तों, अगर आप 40 साल की उम्र से कम के हैं, 38 39 हैं, या जो भी आपकी उम्र है, 30 से ज़्यादा है, ठीक है, 30 से ज़्यादा है और 40 से कम है, आप बेसिकली अपने 30s में ये वीडियो देख रहे हैं मुझे, और आप अपनी जान में मिडिल क्लास हैं, रिच नहीं है, पुअर नहीं है, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, बट मैं ये कह रहा हूँ आपको क्या लगता है, ठीक है। तो मेरे पास कंसल्टेशन में बहुत आता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाला हूँ कि मैं ये वाली गाड़ी ले लूँ, मैं फॉरेन कंट्री जाऊँ, मैं ये करूँ वो करूँ, कैसे करूँ, क्या ठीक है, ये है, मेरी तनख्वाह इतनी है, ये तनख्वाह का कोई लेना देना नहीं है मुझे आपसे। मैं आज आपको एक फिगर देने वाला हूँ नेटवर्थ की डिसीजन मेकिंग के लिए, और आप वो लिख लो। अगर आप 30s में हैं और आपकी नेटवर्थ 85 लाख रुपीज़ नहीं है, तो आप कोई फैंसी गाड़ी ना खरीदें, कोई फॉरेन कंट्री ट्रिप्स में मत जाएं, कोई भी लाइफ में, अरे गुरुजी ऐसे कैसे, मेरी मेरा पैकेज पैकेज से कोई लेना देना नहीं है, नेटवर्थ पे आ गया हूँ मैं। नेटवर्थ क्या होती है? आपके सारे एसेट्स अदर देन द होम विच यू स्टे, विच इज़ योर, वो दिट इज़ नॉट थ्रोइंग एनी कैश, इट इज़ नॉट ऑफ एनी काम। आपके नेट एसेट्स माइनस योर नेट लाइबिलिटीज़ शुड बी क्लोज टू 85, विच इज़ इक्वलेंट टू 1 लाख डॉलर के करीब आता है मामला। मैं करोड़ भी बोल सकता था, बट इसको करोड़ हो भी जाएगा अगर डॉलर 100 रुपये हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, 85 लाख रुपीज़ तो होनी ही चाहिए आपकी। इसमें आपके फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, डीमैट में शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी जो अपने जिस घर में रहते हो उसके अलावा, मान लो कोई अफोर्डेबल हाउसिंग है आपकी 25 लाख की, या कोई छोटी सी कुछ और कुछ प्लॉट है 100 गज का, कोई 30 लाख का, जो भी, जिस पे लोन नहीं है। अगर कहीं लोन है तो माइनस कर लेना कि प्रॉपर्टी जी 1.5 करोड़ की है, तो 1 करोड़ का लोन है, तो जी 50 लाख नेटवर्थ वहाँ से निकल रही है। तो नेटवर्थ आई एम श्योर माई ऑडियंस नोज वॉट इट इज़, ठीक है। तो भाई 85 लाख की होनी चाहिए, 85 लाख से ज़्यादा की है देन येस ऑफकोर्स एस्पिरेशनल लिविंग करनी चाहिए, अपना गाड़ी खरीदो, जो करना है आगे भी करो, ठीक है। कई लोग उससे कम में अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप खर्चे ज़्यादा कर रहे हो या आपकी तनख्वाह नहीं है। अगर आप 38 39 ईयर्स के हो गए हो और आप 85 लाख पे नहीं पहुँचे हो, सपोज जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, बताना मुझे, ठीक है। तो यानी कि आप की नौकरी से पैसा नहीं आ रहा है या आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, बस सिंपल सी बात है। सो यू नीड टू इंक्रीज योर इनकम और रिड्यूस योर एक्सपेंसेस, दैट यू डिसाइड। एक बेंचमार्क मैं दे रहा हूँ इंडिया में, एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कोई बताने समझाने वाला नहीं। जैसे हम कहते हैं ना भाई, 6 फुट का लड़का है या इंसान है या आदमी है और उसकी उम्र 30 साल है, तो भाई उसका वजन आइडियल वेट है लेट से 80 kg, 6 फुट का आइडियल वेट है 80। अब वो 100 kg का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है, तो भाई 80 है तो यानी 10% इससे ज़्यादा मोटा है तो वो ओवरवेट हो गया, या इतना परसेंट है तो फिर वो ओबेस हो गया। हर एक डेफिनेशन रहती है इसकी, ठीक है, ओबेसिटी की, ओवरवेट की। विद इन 10% है तो रीजनेबल मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि 72 kg लोअर साइड में हो जाएगा 6 फुट का है तो, पर 80 का है तो आइडियल है। तो जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं भी 80/120 होना चाहिए, तो ज़रूरी थोड़ा सबका ही होगा, उम्र के साथ ऊपर नीचे भी होता है, तो उसकी टॉलरेंस आ जाती है कि चल 130/85 भी ठीक है, ठीक है। पर वो उसमें कट ऑफ आ जाता है भी 90 से, मतलब ज़्यादा 90, अगर नीचे वाला 90 है या ऊपर वाला 140 है, तो फिर आप हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। उसी तरह मैंने अपने ऑडियंस को आज एक फिगर दे दी, भाई तुम 40, अगर तुम 32 की और 85 पे बैठे हो, यू आर डूइंग ओके। ये कट ऑफ है, करने को तो भैया तुम 85 करोड़ पे जाओ, 8,500 करोड़ पे जाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट अपने आप को कोई तो बताए कि भैया तू एवरेज स्टूडेंट है, अबव एवरेज है, एक्सेप्शनल है, टॉपर है, नालायक है। जैसे कहते हैं ना बुखार है, तो भाई 98 पॉइंट इतना टेम्परेचर है, 499 हो गया टेम्परेचर किसी का, तो बोलेंगे भाई 99 तो यानी थोड़ा बुखार है, फीवरिश है। तो उसी तरह एक फिगर है इंडिया में 2023 का, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, अपनी नोट कर लो सारे के सारे, एंड मुझे बता दो कि भाई कौन इससे अबव है, कौन इससे नीचे। अब 33 में आप चले गए, आपकी अगर 95 लाख नेटवर्थ है, तो भाई वो क्रेटा खरीद रहे थे, अब एक्सयूवी पे बीवी बोल रही थी, तो ले ले एक्सयूवी, ज़्यादा सोच मत, 85 लाख से ऊपर बैठा, यू आर डूइंग ओके। आइडियली स्पीकिंग तो डिसीजन मेकिंग में फिर भी आपको सोचना चाहिए कि आपको क्रेटा चाहिए या अमेज से काम चल सकता है, या एक अमेज और एक स्विफ्ट ले लूँ मैं, ताकि बीवी वो चला ले, मैं ये चला लूँ, वो आपको सोचना है, मैं उसकी नहीं कर रहा। लेकिन कोई तो बेंचमार्क हो कि बोले हाँ यू आर डूइंग ओके, 85 इज ओके, ठीक है। तो व्हेनेवर यू हिट,
आई डोंट थिंक मोस्टली इंडियन सम ऑफ यू मे बी हिटिंग दिस 85-26 की है, जैसा भी हो सकता है, पर मैं बल्क लोगों के लिए लेके चल रहा हूँ दैट यू आर इन योर 30s एंड इफ़ यू हैव हिट 85 लाख इज द फर्स्ट थिंग. $100,000 की नेटवर्थ इज द फर्स्ट थिंग विच शुड बी दी. $1 million तो बाद में आएगा, 8.5 करोड़ वो सेकेंड पर पड़ा हुआ है. पहला पड़ाव किसी भी यंगस्टर का होना चाहिए अपनी नेटवर्थ को 100,000 की करके एक सेफ जोन में जाना. उसके बाद वो छुट्टी भी ले सकता है, ब्रेक भी ले सकता है, अपने आप को पढ़ाई वढ़ाई करके अपग्रेड कर सकता है, कुछ कुछ इस तरह के काम कर सकता है. तो आई होप आप ये गोल्डन फिगर रख लेंगे, समझ लेंगे, एंड प्लीज़ शेयर दिस. एंड पेरेंट्स भी जो हैं जिनके बच्चे बहुत घूमी घूमी लेफ्ट राइट ये करते रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या लगता है नेटवर्थ 85 लाख की नहीं लेकिन तनख्वाह 2.5 लाख की हो रखी है 3 की, तो ऐसा लगता है इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. तो एक बेंचमार्क मुझे बताना था आप लोगों को. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच.